सरदर्द हो या बदन दर्द, किसी फैमिली मेंबर को बुखार आया हो या प्रेशर की दवाई लेनी हो, कॉमन बीमारियों से लेकर सीरियस प्रॉब्लम्स तक में हम आए दिन किसी न किसी मेडिकल सोप में चाहते ही हैं। और रियलिटी ये है कि कोई कितने ही फाइनेंशियल क्रंच में क्यों न हो, दवाई खरीदने के लिए वो कॉम्प्रोमाइज नहीं कर पाता, क्योंकि ये दवाइयाँ ही हैं जो हमें सुरक्षित और निरोग रखने में मदद करती है। दवाइयाँ एसेंशियल चीजों में काउंट होती है और ना ही इनकी सर्विस बंद होती है और ना ही हम इन्हें अवॉइड कर पाते हैं। इसीलिए दवाइयों का कारोबार एक एवरग्रीन बिजनेस है। कई बार किसी छोटे लोकेलिटी या गांव में भी कई दवाई की दुकानें दिख जाती हैं। आज क्विक सपोर्ट के इस वीडियो में हम बताएंगे कि कैसे आप मेडिकल शॉप का बिजनेस शुरू कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं। मार्केट साइज। इंडिया के डोमेस्टिक फार्मास्यूटिकल मार्केट की बात करें तो फाइनेंशियल ईयर 2021 में ये लगभग $42 बिलियन की थी, जो 2024 तक $65 बिलियन और 2030 तक लगभग $120 से $130 बिलियन तक पहुंच सकती है। अब बात करते हैं कि आप कैसे अपना मेडिकल शॉप खोल सकते हैं। सबसे पहले बिजनेस का टाइप डिसाइड कीजिए। आप सोच रहे होंगे कि मेडिकल स्टोर में भी अलग अलग टाइप्स होते हैं क्या? तो जवाब है हाँ। हॉस्पिटल मेडिकल स्टोर, ये किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में होता है। जब भी आप किसी हॉस्पिटल या नर्सिंग होम में जाते हैं तो वहाँ आपने ऐसे मेडिकल स्टोर जरूर देखे होंगे जो हॉस्पिटल के डॉक्टर्स द्वारा लिखे गए प्रिस्क्रिप्शन के अकॉर्डिंगली दवाई देते हैं। ऐसे मेडिकल स्टोर को हॉस्पिटल के प्रीमाइसिस में खोलने के लिए हॉस्पिटल का परमिशन लेना पड़ता है और काफी हद तक आपको हॉस्पिटल के नियम मानकर चलने होते हैं। नेक्स्ट इज स्टैंडलोन मेडिकल स्टोर। ये मेडिकल स्टोर पूरी तरह से आपके कंट्रोल में होता है और आपका अपना इंडिविजुअल बिजनेस होता है। इसे आप अपने घर पे, मार्केट में, किसी चौक चौराहे पे, अपनी लोकेलिटी या किसी दूसरे शहर में खोल सकते हैं। टाउनशिप मेडिकल स्टोर। इस तरह के मेडिकल स्टोर अक्सर किसी नए टाउनशिप, रेजिडेंशियल अपार्टमेंट या मल्टी स्टोरी फ्लैट्स में होते हैं। इसके अलावा भी गवर्नमेंट एरियाज, कैंटोनमेंट एरिया या किसी गवर्नमेंट कॉलोनी में भी आप मेडिकल स्टोर खोल सकते हैं। लाइसेंस एंड लीगल फॉर्मेलिटीज। मेडिकल स्टोर खोलने के लिए सबसे पहले अपने राज्य के ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट में एप्लीकेशन देना पड़ता है, जिसके साथ दुकान का ब्लूप्रिंट, बिजनेस टाइप डिक्लेरेशन और चालान फीस जमा होती है। जिस भी नाम से आप दुकान रजिस्टर करवाना चाहते हैं वो नाम देना पड़ेगा। ध्यान रखिएगा कि नाम किसी दूसरे मेडिकल स्टोर से मैच ना करे या आसपास 10 से 20 किलोमीटर के एरिया में वैसा कोई नाम किसी और मेडिकल स्टोर का ना हो। एप्लीकेशन के वक्त आपने सभी गवर्नमेंट आइडेंटिफाई प्रूफ और एड्रेस प्रूफ भी देना होता है। इनके अलावा भी रजिस्टर्ड फार्मासिस्ट का एफिडेविट और अपॉइंटमेंट लेटर, जो आपकी शॉप पे फुल टाइम काम करेगा। जहाँ दुकान खोला जा रहा है, अगर वो जगह आपकी है या फिर रेंट पे ले रहे हैं, तो उसका ओनरशिप डॉक्यूमेंट, जिसके नाम पे बिजनेस खुलने वाला है, उसके नाम, डेजिग्नेशन और सिग्नेचर के साथ एक कवरिंग लेटर जैसी चीजें देनी पड़ती हैं। एप्लीकेशन के लिए आपको अपने नियरेस्ट या डिस्ट्रिक्ट ड्रग कंट्रोल ऑफिस से संपर्क करना चाहिए, या किसी मेडिकल स्टोर पे अगर आपकी जान पहचान है तो वहाँ भी पूछ सकते हैं। सबसे बेहतर होगा कि आप गूगल पर सर्च करें एप्लीकेशन फॉर मेडिकल स्टोर ड्रग कंट्रोल डिपार्टमेंट, तो आपको अपने राज्य के गवर्नमेंट वेबसाइट का लिंक मिलेगा, जहाँ से आप सभी इन्फॉर्मेशन, फीस और डॉक्यूमेंटेशन की डिटेल्स देख सकते हैं। इसके अलावा भी आप GST और ट्रेड लाइसेंस ले सकते हैं। साथ ही अगर मेडिकल स्टोर पे बेबी फूड या कोई और फूड आइटम रखने वाले हैं, तो आपको फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ऑफ इंडिया की तरफ से फूड लाइसेंस लेना पड़ेगा। दवाई दुकान खोलने के लिए सबसे इम्पोर्टेंट दो चीजें हैं। पहला, फार्मासिस्ट, जो क्वालिफाइड होना चाहिए और जिसके पास फार्मासिस्ट का लाइसेंस होना चाहिए। क्वालिफाइड फार्मासिस्ट के पास बी फार्म या एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए। दूसरा, लैंड रजिस्ट्रेशन, यानी जिस जमीन पे दवाई की दुकान खुलेगी वो या तो आपकी होनी चाहिए या रेंटेड। दोनों कंडीशन में मेडिकल स्टोर के तौर पर लैंड रजिस्ट्रेशन होना चाहिए। इस प्रोसेस में आप लीगल एक्सपर्ट्स की हेल्प ले सकते हैं। नेक्स्ट इज इन्वेस्टमेंट। एक मेडिकल स्टोर खोलने के लिए कम से कम 5 लाख रुपए तो होने ही चाहिए। इससे कम में भी आप खोल सकते हैं, पर क्योंकि दवाइयाँ महंगी होती है, इसीलिए कम इन्वेस्टमेंट के साथ दुकान में स्टॉक कम दिखेगा। अगर आप होलसेल में जाएंगे तो आपको कई गुना ज्यादा इन्वेस्ट करना होगा। कुल मिलाकर लाइसेंस फीस, स्टॉक, शॉप कंस्ट्रक्शन, कम से कम 1 या 2 स्टाफ, मेंटेनेंस, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीजों के लिए इन्वेस्टमेंट तो करना ही पड़ेगा। अगर आपके पास कैपिटल की कमी है तो आप लोन की भी अप्लाई कर सकते हैं। इसके लिए आपका इंडियन सिटीजन होना जरूरी है। आपकी एज 25 से 66 साल के बीच होनी चाहिए। अपने नजदीकी किसी भी बैंक में आप बिजनेस लोन अप्लाई कर सकते हैं। बिजनेस लोन के लिए आइडेंटिटी प्रूफ, एज प्रूफ, प्रूफ ऑफ रेजिडेंस ITR और बैंक स्टेटमेंट, सोल प्रोपराइटरशिप के लिए प्रूफ ऑफ रेजिडेंस और आइडेंटिटी प्रूफ जैसे डॉक्यूमेंट्स की जरूरत पड़ती है। अब है स्पेस फॉर शॉप।
मेडिकल स्टोर खोलने के लिए आपको उसके कंस्ट्रक्शन पे काफी ध्यान देना होता है ताकि स्पेस को सही से यूटिलाइज किया जा सके। दवाइयाँ रखने के लिए शोकेस और स्टोरेज कुछ इस तरह से बना होना चाहिए कि ज्यादा से ज्यादा चीजों को रखा जा सके। इसके अलावा भी ऑनर और स्टाफ के बैठने की जगह पेशेंट आते हैं तो उनका सिटिंग अरेंजमेंट, डॉक्टर्स चैम्बर, रेफ्रिजरेटर, बिलिंग के लिए कंप्यूटर और पैकेट या डब्बे वाली चीजों को रखने का भी सही इंतजाम होना चाहिए। अगर मेन शॉप की साइज छोटी है तो अपने स्टोर के बाजू में एक और स्पेस ले सकते हैं जो स्टोर रूम का काम करेगा और अलग से एक डॉक्टर का चैम्बर भी बनवा सकते हैं। शॉप में लाइटनिंग की अच्छी सुविधा होनी चाहिए ताकि शॉप खूबसूरत दिखे और आप अपना काम आराम से कर सके। डॉक्टर अपॉइंटमेंट, अक्सर ऐसा होता है कि मेडिकल स्टोर पे एक या उससे ज्यादा डॉक्टर या तो डेली या फिर वीकली बेसिस पे बैठते हैं। लोग आते हैं और डॉक्टर से कंसल्ट करते हैं। डॉक्टर को मिली फीस उनका ही रहता है, पर डॉक्टर दिखाने के बाद अक्सर ही पेशेंट्स उसी दुकान से दवाई लेते हैं। ऐसे में मेडिकल शॉप की सेल बढ़ती है। अगर आपके राज्य में मेडिकल शॉप पे डॉक्टर को बिठाने की परमिशन है तो अच्छी बात है। अगर नहीं तो आप अपने मेडिकल शॉप के आसपास कोई चैम्बर बनवाकर डॉक्टर की सिटिंग अरेंजमेंट का इंतजाम कर सकते हैं। नेक्स्ट इज स्टाफ। अगर आपकी शॉप छोटी है तो आप अपने अंडर में कम से कम एक स्टाफ तो रख ही सकते हैं, या अगर स्टोर बड़ा है और काफी सारे लोग दवाई लेते हैं तो कम से कम 3 स्टाफ की जरूरत पड़ेगी ही। उनका एक्सपीरियंस्ड होना भी जरूरी है ताकि वो सही से दवाई दे सके। स्टाफ का दवाइयों की अच्छी जानकारी होना, दवाइयों की कॉम्बिनेशन का पता होना आपके लिए बेनिफिशियल होगा। कस्टमर के साथ अच्छे से बिहेव करना भी आपके बिजनेस को बढ़ाएगा। स्टाफ की ही जिम्मेदारी होगी कि वो दुकान पे दवाइयों का स्टॉक मेंटेन करे और जो दवाइयाँ खत्म हो रही है या ऑर्डर वाली दवाइयों की लिस्ट तैयार रखे ताकि हफ्ते में एक बार या दो बार उनकी मार्केटिंग हो सके। मार्केटिंग के बाद दवाइयों को मेडिकल स्टोर पे सजाने की जिम्मेदारी भी फिक्स कर दे ताकि शॉप वेल मैनेज्ड रहे और चीजें ढूंढने पे दिख जाए। नेक्स्ट इज मेडिसिन सप्लायर। अपनी दवाई की दुकान पे स्टॉक लाने के लिए आपको अच्छे खासे सप्लायर्स की जरूरत पड़ेगी जो आपको कम रेट पे दवाइयाँ दे सके। इसके लिए आपको अपनी लोकेलिटी में या आसपास होलसेलर सप्लायर से कॉन्टेक्ट करना होगा, क्योंकि जितने वाजिब कीमत पे आपको चीजें मिलेंगी उतना ज्यादा आपका प्रॉफिट रहेगा। याद रखिएगा, दवाई की दुकानों का बिजनेस कोई 9 to 5 जॉब नहीं है। मेडिकल शॉप कम से कम सुबह 8 बजे से खुल जाना चाहिए और रात को 8 या 9 बजे तक शॉप खुला होना चाहिए। साथ ही कई बार ऐसा होता है कि अगर आपके एरिया में आपकी ही इकलौती दुकान है तो आपको कभी इमरजेंसी में या रात को भी दुकान खोलनी पड़ सकती है, तो आपको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। ब्यूटी प्रोडक्ट्स एंड फूड आइटम्स। मेडिकल शॉप पे अक्सर आपने देखा होगा कि बेबी फूड, कॉस्मेटिक्स, ब्यूटी प्रोडक्ट्स, ड्रिंकिंग वाटर, चॉकलेट्स और चिप्स भी होते हैं और ये काफी कॉमन है, तो आप भी इन्हें अपनी दुकान पर रख सकते हैं क्योंकि इन पर अच्छा मार्जिन मिल जाता है। अब है ध्यान देने वाली बातें। मेडिकल शॉप खोलने पे आपको हमेशा ध्यान रखना होता है कि कोई भी व्यक्ति अगर ऐसी किसी दवाई की डिमांड कर रहा है जो सिर्फ डॉक्टर के प्रिस्क्रिप्शन पे ही देना चाहिए तो बिना प्रिस्क्रिप्शन दवाइयाँ मत दीजिए। साथ ही बहुत सी ऐसी दवाइयाँ, टैबलेट, कफ सिरप्स वगैरह नशे के तौर पर यूज किए जाते हैं, उन्हें रखने से बचिए। दवाइयाँ हमेशा चेक करते रहिए कि उनकी एक्सपायरी डेट कब की है और उन्हें देने से पहले एक्सपायरी देख के दीजिए। कई बार एक ही फॉर्मूले वाले कई दवाइयाँ होती हैं। अगर उनमें से कोई दवाई 2-4 महीने में एक्सपायर हो जाएगी तो उन्हें डिलीवर कीजिए। अपने उन सभी डॉक्यूमेंट्स का ध्यान रखिए जिन्हें हर साल रिन्यू करवाना पड़ता है, और अपडेटेड रखिए क्योंकि मेडिकल शॉप पे भी चेकिंग होती रहती है। इसीलिए अगर कोई भी डॉक्यूमेंट फेल निकला तो भारी जुर्माना लग सकता है। रजिस्टर मेंटेन कीजिए। जब भी कोई व्यक्ति बिजनेस करने उतरता है तो लोग उधार मांग ही लेते हैं। मेडिकल शॉप के साथ भी ऐसा होता है, लेकिन दवाइयाँ महंगी आती हैं, इसीलिए अगर कोई थोड़ा सा सामान भी क्रेडिट पे लेता है तो काफी बिल बनता है। इसीलिए रजिस्टर मेंटेन कीजिए और जो भी व्यक्ति क्रेडिट ले रहा है उसे डेट वाइज और अमाउंट के साथ एंट्री कीजिए। जब भी बिल लंबा चौड़ा हो जाए तो अगली बार क्रेडिट देने से पहले पिछले पैसे पे करने को बोलिए। बिलिंग सॉफ्टवेयर। अगर आपके मेडिकल शॉप पे बहुत ज्यादा भीड़ रहती है, ढेर सारे कस्टमर्स आते हैं, तो आप बिलिंग सॉफ्टवेयर भी ले सकते हैं और प्रिंटेड बिल अपने कस्टमर्स को दे सकते हैं। जाहिर है कि 10-20 रुपए के बिल बनाने की जरूरत नहीं पड़ेगी। एडवर्टीजमेंट। अगर आपने अपने एरिया में नया मेडिकल स्टोर खोला है तो आप लोकल न्यूज चैनल या सोशल मीडिया पे चलने वाले न्यूज चैनल्स पे भी अपने स्टोर को एडवर्टाइज करवा सकते हैं। इसके अलावा भी आप MRP पे डिस्काउंट दे सकते हैं। इससे आप लार्ज स्केल पे कस्टमर्स को अट्रैक्ट कर सकते हैं, क्योंकि अगर आपकी लोकेलिटी में अगर कोई MRP पे डिस्काउंट नहीं दे रहा है और आप इकलौते हैं तो इससे आपको बिजनेस में फायदा होगा। अगर आपके एरिया में कोई डायग्नोस्टिक सेंटर नहीं है और लोगों को टेस्ट करवाने के लिए बाहर जाना पड़ता है तो आप किसी डायग्नोस्टिक सेंटर से टाई अप कर लीजिए और सैंपल कलेक्शन करवाइए। डायग्नोस्टिक सेंटर से लोग आएंगे और सैंपल ले जाएंगे और रिपोर्ट दे जाएंगे। इससे भी आपके शॉप की पॉपुलैरिटी बढ़ेगी और आपको प्रॉफिट होगा।
मेडिकल स्टोर खोलने को लेकर लगभग सभी जानकारियां हमने इस वीडियो में बता दी है। बाकी आप अपने एंड से भी रिसर्च कर सकते हैं, आपकी नॉलेज हमेशा आपकी हेल्प करेगी। अगर वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, शेयर जरूर कीजिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि ऐसी ही जरूरी और इन्फॉर्मेटिव वीडियोस आपसे मिस ना हो। अपने फीडबैक कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। देखते रहिए क्विक सपोर्ट। धन्यवाद।